एनिमल स्केच बनाने का अभ्यास करेंगे। नील गाय को बनाने के लिए अभ्यास करेंगे आज दोस्तों, तो जल्दी से आ जाइए लाइव। जल्दी से आइए लाइव। थोड़ी देर हाथ को गर्म करेंगे दोस्तों, गोले बनाने की इन प्रैक्टिस करेंगे। जो स्केचिंग में बहुत ज़रूरी है इस तरह की प्रैक्टिस। इस तरह की प्रैक्टिस अवश्य करें घर पे, जब भी खाली टाइम मिले तो पुराने अखबारों पे रफ में इस तरह की जरूर कोशिश करें। अभी हाल फिलहाल हम एनिमल स्केच ट्राई करेंगे। तो सबसे पहले दोस्तों लाइट को थोड़ा सेट कर देते हैं। और चलते हैं नील गाय की तरफ। हल्का हल्का जेस्चर जल्दी से ड्रॉ कर लेना। रिपीटली ड्रॉ करेंगे। ब्लू कलर का यूज कर रहा हूँ दोस्तों मैं, आज ऐसे ही मन हो गया ब्लू कलर में बनाने का। थोड़ा सा डिटेल करते हैं इसको अब। इसको ब्लू बुल भी बोलते हैं नील गाय को दोस्तों। इसीलिए मेरा मन हुआ कि इसको ब्लू कलर में क्यों न बनाया जाए। मन किया तो स्केच में कलर भर के भी देखेंगे, नहीं तो और रिपीटली और दूसरे स्केच बनाएंगे। या इसके एक वाइट स्पॉट होता है ज़्यादातर मेल में, यहाँ हल्के हल्के बाल होते हैं। थोड़ा सा इसको कैमरे को ऊपर लेते हैं।
थोड़ी सी इसको डिटेल करते हैं। देखें, कहीं कहीं डार्क जो पीछे वाले हिस्से हैं उनको थोड़ा सा डार्क करते हैं दोस्तों। घास में ये जा रहा है दोस्तों, ज़्यादातर ये घास खाने के लिए ही खेतों में नहाते हैं तो इनको हम देख पाते हैं। नील गाय और ब्लू बुल, इंग्लिश में इसको ज़्यादातर ब्लू बुल लिखा आता है और गांवों में इसको रोजड़ा भी बोलते हैं। ज़्यादा नीला तो नहीं होता है, लेकिन नीला और ग्रे के साथ अलग ही तरह का कलर कॉम्बिनेशन होता है इसका। प्रकृति ने बहुत शानदार जीव बनाए दोस्तों, और हमें प्रकृति का सम्मान करना चाहिए। बहुत लोग इनको मार देते हैं खेतों में नुकसान बचाने के लिए, और भी उपाय कर सकते हैं मारने की बजाय। किसी की जीव हत्या करना अच्छी बात नहीं है। कहीं हल्का हल्का कर देंगे। यहाँ एक पेड़ भी बना देते हैं पास में, पीछे की तरफ बना देते हैं। इंग्लिश में इसको ब्लू बुल के नाम से ज़्यादातर मिलता है इसका उल्लेख, पर हम नील गाय और गांव में इसको रोजड़े के नाम से जानते हैं ग्रामीण एरियो में। तो बहुत ही प्यारा जीव है, लेकिन फसलों को नुकसान पहुंचाता है तो लोग इसको पसंद नहीं करते हैं। और ये बहुत लोगों से घुल मिलता मिलता नहीं है, तो इसकी वजह से रोड पे एक्सीडेंट भी होते हैं बहुत बार। तो
तो इस तरह रैपिडली आपको ड्रॉ करना पड़ेगा डेली, कुछ न कुछ तो आपकी ड्राइंग में सुधार आएगा निश्चित ही। थोड़ा थोड़ा इस पेड़ को भी डिटेल कर देते हैं। ज्यादातर ये भागता बहुत तेज है तो लोग डरते हैं, बाड़े की बाड़े कूद जाता है ये, और बहुत बार बाइक्स के सामने भी आ जाता है तो बहुत सारे टकरा कर नीचे भी गिर जाते हैं। कुल मिलाकर ये लोगों के दिखने पर ये भागता है बहुत तेजी से, और इसमें जो नर होते हैं वो खतरनाक हो सकते हैं कभी कभार, लेकिन ये बहुत प्यारे जीव हैं, इनको नुकसान न पहुंचाए फसलों के लिए। कोई दूसरा उपाय भी किया जा सकता है मारने की बजाय। मैंने इस पे बहुत सारी पेंटिंग बनाई और अब सीरीज भी बनाऊंगा समय मिलेगा तो इस पे पूरी पेंटिंग की। ये यहाँ की आकृति इसकी बिल्कुल इस तरह से होती है, अलग ही गाय की तरह थोड़ा थोड़ा होता है, लेकिन थोड़ी बहुत गलती हो तो भी आपको रैपिडली बनाना है। जैसे कि इस चित्र में भी थोड़ा सा ये ऊपर रहना चाहिए था यहाँ, लेकिन चलेगा, इतना तो सीखने के लिए बहुत जरूरी, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होना। अब नेक्स्ट दूसरी ड्राइंग लेते हैं, और मैं सोच रहा हूँ कलर भी चेंज कर दूँ मैं थोड़ा, इस बार ब्राउन लेके बनाते हैं। देखें इस बार थोड़ा सा पोज चेंज करते हैं, फिर से नील गाय को ही बनाते हैं। थोड़ा सा कठिन पोज इसका चुनते हैं। इसका ये वाला पार्ट इसको अलग ही पहचान देता है दोस्तों, ये वाला पार्ट यहाँ पे, इसी से इसकी जो आकृति है वो डिफाइन होती है अलग। तो आप जब ड्राइंग बनाओगे तो बहुत सारी चीज़ों को समझने लग जाओगे। सबसे पहले जिस ऑयल पेंटिंग पर मैंने सबसे ज़्यादा ध्यान लगाया वो नील गाय की थी, क्योंकि मेरे से ये आकृति सही बनी नहीं, मैं इसकी विशेषताओं को इतने अच्छे से जानता नहीं था, तो और बहुत बार मेरे को उसको मिटाना पड़ा। फिर धीरे धीरे जब मैंने इसके बहुत सारे स्केच बनाए तब जाके नील गाय को आकृति को समझ पाया मैं। दोस्तों ड्राइंग में भी आपको स्टडी करनी पड़ेगी, आकृतियों को बार बार बनाना पड़ेगा, विशेषताओं को जानना पड़ेगा। गर्दन की यहाँ से ये बहुत मजबूत होता है, भयानक दिखता है। जब कभी सामने से आप इसकी गर्दन देखोगे तब आपको अंदाजा होगा इसकी आकृति का। हल्का हल्का जेस्चर बनाए सबसे पहले, डरे नहीं, हो सकता है थोड़ा बहुत गलत हो जाए तो चलेगा। सामने का मुंह है, इसकी आकृति कहीं कहीं हिरण के जैसी भी फील होती है कभी कभार, लेकिन हिरण साइज में छोटा होता है। या इसके एक वाइट स्पॉट होता है मेल में ज़्यादातर, जो बहुत ही प्यारा लगता है इस जगह, और गर्दन की इस घुमावदार इस तरह से होती है, बिल्कुल स्ट्रोंग गर्दन होती है इसकी। रैपिडली ड्रॉ करें, गलत होने से बिल्कुल ना डरें। यहाँ पे इसके थोड़े से बाल होते हैं, यहाँ पे भी होते हैं थोड़े थोड़े बाल। अब इसको हल्का हल्का डिटेल करते हैं।
पांव की बनावट को समझे पहले ध्यान से। लाइट कैसे आ रही है उससे भी आकृति में बहुत फर्क पड़ता है। आपको पेंसिल शार्प रखनी है, मैं इतनी शार्प नहीं रखता हूँ, पता नहीं क्यों, पर मेरी अब बचपन से ही जब से ड्राइंग बना रहा हूँ, अब शार्प कर लूँगा तो शायद मेरे से अच्छे से बनेगी भी नहीं। पर आपको इस तरह से अभ्यास नहीं करना है, आपको शार्प करनी करनी है पेंसिल को। शरीर के अनुपात में इसका मुंह वास्तव में छोटा लगता ही है। पाँव के नीचे थोड़ी थोड़ी घास बना लेते हैं। क्या प्यारा जानवर है ये दोस्तों। इस तरह से ये ड्राइंग भी कंप्लीट हुई दोस्तों। एक ये थोड़ा सा अलग पोज है, एक पोज और लेते हैं बिल्कुल सामने वाला। गर्दन दोस्तों इसकी शानदार होती है।
लगभग सीधे होते हैं, इसके सींग थोड़े से मुड़े होते हैं, नील गाय के सींग। या इसकी आंख होती है, यहाँ पे कान आ जाएंगे। या इसके व्हाइट स्पॉट होता है एक। शानदार गर्दन होती है जो इसके पावर को दर्शाती है कि कितना पावरफुल जानवर है ये। कहीं ना नील गाय, क्या शानदार जीव। चित्र के आकार को समझते जाएं दोस्तों, और इस तरह से आप ड्रॉ आसानी से कर पाएंगे। ड्रॉ इसमें भी देखो, शेडिंग को भी पकड़ने की कोशिश करें इस तरह से, इसके यहाँ से यहाँ तक ये वाला हिस्सा डार्क है, और इस लाइन से ऊपर वाला लाइट है। इसमें भी ये वाला हिस्सा है, ये डार्क है, ये पाँव भी डार्क है, तो इस पे उसको डार्क कर देते हैं। इधर भी लाइंस बनाते हैं डार्क करने के लिए। इस तकनीक को हैचिंग तकनीक कहते हैं, और अभी हम नील गाय को हैच कर रहे हैं। ये इंडिया में खेतों में नुकसान करने के लिए भी बहुत प्रसिद्ध हैं, तो किसान का शत्रु मान सकते हैं इनको, पर ये शत्रु नहीं है, ये तो अब पेट भरने के लिए करते हैं। इनको पता थोड़ी होता है कि क्या खाना है क्या नहीं खाना है। दोस्तों, जीवों का सम्मान होना चाहिए, इनके प्रति दया भाव होनी चाहिए। बहुत ही शानदार जीव है, इसकी ड्राइंग बनाते हैं तो आपको पता चल रहा होगा, काफी कुछ हिरण से मिलता जुलता है ये। थोड़ा सा और डार्क करके देखते हैं, देखिए ड्राइंग किस तरह दिखेगी। प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट मैन, जो कहावत है वो आपको यहाँ इसको प्रैक्टिकली लेना पड़ेगा ड्राइंग के फील्ड में। तो इस आपको सफलता मिलेगी।
आकार को पकड़ने की कोशिश करते हैं। कहीं कहीं शेड करते जाएंगे डार्क लाइट को पहचानने के लिए। यहाँ इसके एक बाल का गुच्छा होता है दोस्तों, तो हल्का हल्का इसको बनाने की कोशिश करते हैं। देखिए आशा करता हूँ कि आपको मेरा काम अच्छा लग रहा होगा। इंडिया में नील गाय की तरह बहुत सारे प्यारे प्यारे जीव हैं दोस्तों, जंगली जानवरों की बहुत सारी किस्में। इंडियन जो सबसे अलग है दुनिया में, हमारा टाइगर भी अलग है। बकरियाँ, भेड़, हर तरह की किस्म इंडिया की सबसे अलग है, क्योंकि यहाँ वातावरण में इतनी भिन्नता है तो यहाँ के जीव भी अलग तरीके से विकसित हुए हैं। तो एक जेस्चर और हमने बनाया है। आशा करता हूँ कि आपको अच्छा लग रहा होगा ड्राइंग। इसमें हम ज़्यादा डिटेल करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आप स्टडी के लिए अगर और उसको थोड़ा बहुत और डिटेल करके देखना चाहते हो देख सकते हो, लेकिन इस तरह रैपिडली ड्रॉ कर करके ज्यादा से ज्यादा चित्रों को बनाएं। को अलग ही स्टाइल से बनाते हैं ज़्यादातर। जो मैं पेंटिंग में जो स्टाइल यूज़ करता हूँ थोड़ा रफली, क्योंकि मैं इस तरह की पेंसिल यूज़ करता हूँ। बिल्कुल उससे शार्प लाइन वैसे भी नहीं बनती इतनी अच्छी से। इसको देखते हैं, देखें किस तरह से ये ड्राइंग बन के निकल के आती है। एक छोटा सा स्केच और इसका ड्रॉ करके देखते हैं।
ये भागने की मुद्रा में खड़ा है क्योंकि ये बहुत ही कौतूहल से देखते हैं और अचानक भागते हैं तेजी से। ये रोड के किनारे ही खड़ा है, थोड़ा सा दूर से दिखता हुआ तो हल्का हल्का जेस्चर इसका मैंने बना लिया। थोड़ा सा को डिटेल करके देखते हैं, देखिए कैसा। छोटे छोटे कान, ये मुंह हो गया, ये गर्दन, गर्दन के नीचे वाला हिस्सा, इस पाँव को, ये कॉपी थोड़ी सी इस तरह से, तो ये पाँव पहले मैंने इस तरह ड्रॉ कर दिया, थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ इसको। कम से कम चौथी ड्राइंग बना रहे हैं ये अब नील गाय की। ये अंदाजे से रास्ता बना लेते हैं, ये रास्ता है, यहाँ घास फूस है, ज्यादातर ये रास्तों में ही नजर आते हैं। एक, दो, तीन, चार ड्राइंग, चौथी ड्राइंग गई है। इसको भी आप चाहे तो थोड़ा थोड़ा और डिटेल करें। मेरे हिसाब से तो आप जितना इसको, जितनी बार, जितनी पोजीशन में बनाएंगे उतना आपको फायदा होगा। डरना नहीं है, डिटेल करते हुए डरना नहीं है, हो सकता है गलत हो जाएगा, ज्यादा से ज्यादा क्या हो जाएगा। कुछ कमेंट आ रहे हैं, वर्सिल बाबा आए हैं, मेरे YouTube गुरु, पहली बार उन्होंने ही मेरे को YouTube पे, वर्सिल जी ने ही मेरे को YouTube पे लेके आए थे। तो मैं उनको थैंक्स कहना चाहूंगा। मैंने कभी सीरियस नहीं लिया उनकी बातों को यूट्यूब के लिए, और अब मुझे लगता है कि उस समय मेरे को कहना मानना चाहिए था, वो लगातार वीडियो अच्छे से बना के डालने थे। मैं ऐसे ही एक प्रकार से बकलोली कर रहा था यूट्यूब पे, लेकिन अब मेरे को लग रहा है कि अगर यूट्यूब पे कुछ नहीं होगा तो कुछ नहीं, फायदा तो ये है कि प्रैक्टिस हो रही मेरी बहुत सारी, और जो मेरे यू ऑयल पेंटिंग में बहुत सारी हेल्प करने वाली ये चीज़ें मेरे को। जब मैं ऑयल पेंट करूँगा इन चीज़ों से मेरे को बहुत सारा
बेनिफिट मिलेगा तब। पूंछ इसकी ज्यादा बड़ी नहीं होती है। वो इसके देखने का तरीका बहुत ही शानदार होता है दोस्तों, बहुत ही कौतूहल से देखता है। एनिमल ड्राइंग अवश्य ही करें दोस्तों, ताकि आपकी ड्राइंग में बहुत सारे सुधार आ सकें। तो इस तरह नील गाय वाली 4-5 ड्राइंग का सेशन खत्म करते हैं। थोड़ी देर बाद वापस फिर से नई ड्राइंग्स का सेशन स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, बाय।